नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ पिंकी। आई न्यूज डालते हैं आज की खबर पे। खाद विभाग की टीम तेल कंपनी में छापामार कार्रवाई की, जिससे बसंत ऑयल कंपनी में मचा हड़कंप। मथुरा के छाता इलाके के दौताना के समीप बनी बसंत ऑयल कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद विभाग की टीम ने एसडीएम छाता के नेतृत्व में एक तेल कंपनी में छापामार कार्रवाई की। बसंत ऑयल कंपनी में खाद तेल बनाया जाता है, जहां खाद विभाग की टीम ने मिलावटी तेल के चार अलग अलग सैंपल लिए। छापामार कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी वरुण कुमार पांडे ने कहा, इस कंपनी में खाद तेल बनता है जिसकी सैंपल ले दिए गए हैं और जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अगर उनमें मिलावट पाई जाती है तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्हें यह भी कहा कि किस कंपनी की टरबाइन यूनिट ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसमें कार्य जारी है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है और काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। इसको भी जल्द से जल्द कम को खत्म करने का आदेश दिया है। कंपनी में गंदगी भी पाई गई, जिसको 30 नवंबर तक का समय दे दिया गया है। अगर फिर भी गंदगी पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं खाद सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बसंत ऑयल कंपनी से खाद तेल के चार नमूने लिए गए हैं, जिनको अभी सैंपल में जांच के लिए भेज दिया गया है और कमियां पाई जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। त्यौहार नजदीक आते ही मिलावटखोर चंद मुनाफे के लिए लोगों की सेहत की खिलवाड़ करने के नहीं चुकते। अब देखना होगा कि खाद्य विभाग की टीम सिर्फ छापामार कार्रवाई कर अपनी जांच पूरी कर लेती है या इसके बाद कोई कार्रवाई भी करती है। टीएसटी न्यूज़, ज्ञानेन्द्र कुमार पांडे। बताएं, आज यहाँ बसंत ऑयल में आप लोग आए हैं एसडीएम साहब के साथ में, पूरी टीम आई है, तो क्या क्या खामियाँ मिली, क्या क्या सैंपल लिया, क्या कार्रवाई हो रही है? बसंत ऑयल मिले हम लोगों ने पूरी खाद्य विभाग की टीम और एसडीएम साहब के छापा मारा। यहाँ जो हमें शिकायत मिली थी उसको मद्देनज़र देखते हुए हमने यहाँ पर चार नमूना लिए गए और जो गंदगी है, जो प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है उसको हमें नोटिस दिया जा रहा है, आगे से इसे सुधार कर लेने के डेट में कंपनी बंद कर दी। और जो सैंपल वगैरह लिए गए, कितने सैंपल के किस चीज़ के लिए? हाँ, यहाँ नमूना लगभग चार नमूने लिए गए हैं, ये पामिले और रिफाइंड वाले। तो क्या माना जाएगा उसमें, कुछ खामियां पाई गई हैं? हाँ, हमको संदेह के दायरे में देखे, इसी वजह से इनके नमूने लिए गए हैं। और जैसे कि गंदगी भी मिली है, इसके लिए सुधार नोटिस जारी किया जा रहा है, यदि नहीं करते तो उसको बंद कर दें। तो सुधार नोटिस कब तक कर दिया गया? इसमें 15 दिन का टाइम होता है, उसके बाद फिर इनको तत्काल प्रवास बंद कर दें यदि नहीं सुधार। ऐसे ही कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।